अस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत भारत। धरती पर पाप बढ़ा और मैंने इस पावन भूमि पर जन्म लिया कृष्ण रूप में। भगवान श्री कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, ऐसे कुल 108 नाम है मेरे, परंतु इनमें से मुझे एक ही नाम भाता है और वो है सखा। मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया और जाना कि मानव जीवन नित्य ही केवल दो बिंदुओं के बीच झूलता रहता है। अब देखिए ना, जन्म से मृत्यु, धर्म से अधर्म, भोग से मोक्ष, सत्य से असत्य और तिरस्कार से प्रेम, हर मानव जीवन का चित्र इन दो बिंदुओं से बनता है और नियंता परमात्मा इस चित्र में अपनी तुलिका से रंग उड़ेलता रहता है। तो मैं इससे अपवाद कैसे रहता? मैंने भी इन दो बिंदुओं का उत्कर्ष अपकर्ष अपने नेत्रों से देखा है। मेरे जीवन पथ पर जो जो घटनाएं घटी वो देखकर मेरे मन में एक ही विचार उठता है, जन्म से मनुष्य जीवन आरंभ नहीं होता और मृत्यु से कदापि समाप्त नहीं होता। महाभारत का वो पर्व मेरे लिए किसी परीक्षा से कम न था। यूं तो हमारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये सभी शाश्वत हैं, केवल कर्म को छोड़कर। कर्म और कर्म फल एक ही नाभि से जुड़े होते हैं, वो है विचार, अविचार और सुविचार। महाभारत के सभी पात्र इसी कर्म नामक मायापाश में ऐसे जकड़े कि जैसे जैसे मैं गांठ छोड़ाने का प्रयास करता रहा, हर गांठ में, हर रिश्ते में मेरे ही अस्तित्व का प्रत्येक रेशा उलझ गया और हर उस उलझते रेशे में थड़क रहा था मेरा व्याकुल मन, धर्म का साथ देने वाला, पुण्य की आराधना करता मेरा मन, अर्जुन के मित्र प्रेम में भीगा हुआ मेरा मन, भीष्म पिता की प्रतिज्ञा के सामने नतमस्तक मेरा मन, द्रौपदी के अस्तित्व की गहराई को छूने वाला मेरा मन, दुर्योधन और दुशासन के दुर्व्यवहार से उद्विग्न होता मेरा मन, अभिमन्यु के आक्रोश की प्रतिध्वनि से कुरुक्षेत्र पर कड़कड़ होकर खंडित हो गया और मेरे अस्तित्व को प्रश्नांकित कर गया। महाभारत के उस पर्व ने मेरे रेशे रेशे को झंझोड़ दिया, उलझा कर रख दिया। अब शरीर तो मैं हूं नहीं, मैं हूं केवल एक मन। परमात्मा का आदेश सर्वोपरि है। निद्रा समय पलके तो बंद होती है पर मन तो जागृत है और वो प्रश्न भी करता है। सर्वप्रथम भीष्म प्रतिज्ञा। युवावस्था के आवेश में आकर भीष्म प्रतिज्ञा न करते तो वो अधर्म से परे धर्म के पक्ष में होते। यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंध पुत्र कहकर अपमानित ना करती तो क्या दुर्योधन द्रौपदी के स्त्रीत्व को अपमानित करता? युधिष्ठिर युद्ध खेलने से ना कह देते तो महायुद्ध का बीजारोपण होता नहीं, शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। परंतु सबसे विशाल प्रश्न जो मुझे व्यथित करता है वो है मैं, भगवान श्री कृष्ण, शाश्वत दिव्यादि पुरुष। अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में ना देता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। युद्ध तो टल जाता परंतु संपूर्ण मानव जाति भगवत गीता के ज्ञान से वंचित रह जाती। अर्जुन का युद्ध तो कुछ ही दिनों का था पर आप सब तो अभी भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और आपसे लड़ने के लिए कोई दुर्योधन या दुशासन नहीं है। आपका शत्रु आपके भीतर ही है, आपके अंतर्मन में काम, क्रोध, मोह, माया, शोक नामक शत्रु सेना है और आपके मन की द्रौपदी अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है कि कहीं उसका वस्त्र हरण ना हो। इसलिए मैं पुनः आ गया हूं, भगवान श्री कृष्ण बनकर नहीं, सखा बनकर। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।